बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त किया गया कि इल्म की हद क्या है, कि जिसे आदमी हासिल कर ले तो आलिम दीन हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरी उम्मत तक पहुँचाने के लिए दीनी उमूर की 40 हदीस याद कर लेगा तो खुदा ताला उसे क़यामत के दिन आलिमी दीन की हैसियत से उठाएगा और क़यामत के दिन में उसकी शफ़ात करूँगा और इसके हक़ में गवाह रहूँगा। हदीस नंबर 1। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम आमाल का दारो मदार नियतों पर है। हदीस नंबर 2। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 3। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्तेदारी क़ता करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। हदीस नंबर 4। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुल्म क़यामत के दिन तारीकियों का सबब बनेगा। हदीस नंबर 5। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जिसने क़ुरान को पढ़ा और पढ़ाया। हदीस नंबर 6। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हम पर हथियार उठाया वो हम में से नहीं। हदीस नंबर 7। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर अच्छा काम सदका है। हदीस नंबर 8। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शर्म हया का नतीजा बेहतर होता है। हदीस नंबर 9। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को दोज़ख़ से बचाओ अगरचे खजूर के निसफ टुकड़े के साथ हो। हदीस नंबर 10। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बात कहना सदका है। हदीस नंबर 11। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हदीस नंबर 12। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान उसी के साथ होगा जिससे इसको मोहब्बत होगी। हदीस नंबर 13। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र शुरू मुसीबत के वक़्त होता है। हदीस नंबर 14। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशा आवर शरबत हराम है। हदीस नंबर 15। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वह अपने भाई को 3 दिन से ज़्यादा छोड़े। हदीस नंबर 16। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने आप को बदगुमानी से बचाओ, इसलिए कि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। हदीस नंबर 17। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोने के वक़्त अपने घरों में आग को जलता हुआ ना छोड़ो। हदीस नंबर 18। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को गाली देना फिस्क है और इससे लड़ाई करना कुफ्र है। हदीस नंबर 19। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो कि जन्नत तलवारों के साए के नीचे है। हदीस नंबर 20। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के साथ अल्लाह भलाई का इरादा फरमाता है तो इसको दीन की समझ अता करता है। हदीस नंबर 21। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमार की इयादत यानी बीमार पुरसी करो, भूखे को खाना खिलाओ और क़ैदी को रहा कराओ। हदीस नंबर 22। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में मुसाफिर या राहगीर की तरह रहना। हदीस नंबर 23। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करने वाला हाथ सवाल करने वाले हाथ से बेहतर है। हदीस नंबर 24। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स माल की हिफाजत में मारा जाए वो शहीद है। हदीस नंबर 25। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़कर दाएं हाथ से खाया कर और अपने सामने से खाया कर। हदीस नंबर 26। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ तलब सवाब के लिए रमज़ान के रोज़े रखे तो इसके पहले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हदीस नंबर 27। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने हमारे इस दीन में ऐसी नई चीज़ राइज की जिसका ताल्लुक दीन से ना हो
تو وہ چیز مردود ہے۔ حدیث نمبر 28، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 29، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سخت عذاب میں مبتلا وہ لوگ ہوں گے جو تصویریں بناتے ہیں۔ حدیث نمبر 30، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹخنوں کے نیچے جو کپڑا ہو اتنا بدن کا حصہ دوزخ میں جائے گا مردوں کے لیے۔ حدیث نمبر 31، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خدا اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے ہمسایہ کو تکلیف نہ دے۔ حدیث نمبر 32، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ حدیث نمبر 33، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتش دوزخ شہوات یعنی خواہشات میں چھپی ہے اور جنت ناگواریوں یعنی مشکلات و مصائب میں پوشیدہ ہے۔ حدیث نمبر 34، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خدا اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہوں وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ حدیث نمبر 35، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصائب میں گرفتار رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 36، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہوں وہ نیک بات کہیں یا خاموش رہے۔ حدیث نمبر 37، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم کرتا۔ حدیث نمبر 38، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار ہو جاؤ کیونکہ تم لوگوں میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر نگران سے اس کی ماتحت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ حدیث نمبر 39، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حدیث نمبر 40، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے۔